अलावा उत्तराखंड की सरकार पर छाए हैं संकट के बादल। और इस बीच बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली से वापस देहरादून पहुंच रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दोपहर 4 बजे उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। ऐसे में अब राज्यपाल से मुलाकात बहुत सारे संकेत भी दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान अपना इस्तीफा सौंप सकते, ये भी खबरें आ रही हैं। सियासी उठापटक लगातार उत्तराखंड में, क्योंकि पिछले दिन ही रमन सिंह वहां पर गए थे पर्यवेक्षक के तौर पर। क्यों नहीं रहेंगे, क्या कारण है उनका? है मुख्यमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे मुख्यमंत्री हैं। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, अच्छे काम किया है। केंद्र की सारी विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। कार्यशैली पे प्रश्न उठा था, मुझे लगता है ठीक नहीं है। बैठक भैया, प्रक्रिया हमारा हो रहा, करते क्या हम बड़े नेता, बैठकें समस्या और समाधान, यही काम होता है। 4 वर्ष उत्तराखंड को हो गए, अगर मुख्यमंत्री आए तो उसमें कोई, मुझे लगता है मीडिया ने हाइप कर रखा है इसको। आपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए हर स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वो आते रहते हैं। हमारा स्टेट तो इतना नज़दीक है कि हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो इसलिए हमारे कभी कभी मंत्रीगण आ जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों से काम कराने के लिए। सीएम साहब अगर केंद्र ने कभी बुलाया तो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है, ऑल इज वेल। दिखाने की कोशिश ऑल इज वेल, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप सिंह राठौर मेरे साथ देहरादून से है। लेकिन दिलीप, ग्राउंड रियलिटी आप ही बताइए, ऑल इज वेल या अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है? ऑल इज वेल तो नहीं कहा, बट इस तरीके से सीएम अपने आवास पर पहुंचे हैं, इसके बाद वो राज्यपाल से मिलने का उनका प्लान है, जो तकरीबन 4 बजे, उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब होंगे। पिछले 4 दिन से लगातार से जो उठा पटक चल रही है उसे देखकर बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि ऑल इज वेल। नवजोत जी, चलिए ऑल इज नॉट वेल कम से कम हम ये कहेंगे, लेकिन इसका जो असर है कल दिल्ली तक देखने को मिला। दिल्ली में मुलाकातों का सिलसिला लंबा चला है, मांचू क्या समझा जाए इस मुलाकात को? वो जो कि आज त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल से करने वाले हैं, अगर इस्तीफा सौंपेंगे तो फिर सवाल अगला यही होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन? रेड है वो, चल रहा है हिमांशु चले हिमांशु के पास चलेंगे। दिलीप हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ा है। दिलीप, खबरें जो आ रही है ये कि हिमांशु, दिलीप हिमांशु के पास चलेंगे, लेकिन हिमांशु मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, चले दिलीप, आज की इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? अगर वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं तो सवाल अगला बड़ा यही होगा, इस्तीफा अगर दे दिया तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन? क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में तालमेल बिठाने की भी बहुत जरूरत होगी। देखिए, आमतौर पर इस तरीके से नहीं होता कि 4 दिन की उठापटक के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, तो ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ संकट के बादल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर जरूर है। अगर चेहरे की बात की जाए तो यहाँ पर 4 चेहरे लगातार चर्चा में थे, जिसमें अजय भट्ट, अनिल बलूनी और इसके अलावा सतपाल महाराज, और एक सबसे बड़ा चेहरा उभर कर जो सामने अब आ रहा है वो सबों ने है धन सिंह रावत। लेकिन चेहरे को देखते हुए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने की बेहद जरूरत है। अगर अजय भट्ट की हम लोग बात करते हैं तो अजय भट्ट कुमाऊं से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण है, और ऐसे में कुमाऊं से ही एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाए तो ये अभी तक के उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण ठीक से बैठ नहीं पाएगा। अगर ये समीकरण सीधी सीधी तौर पर जो है बैठता है धन सिंह रावत के ऊपर, क्योंकि वो गढ़वाल के हैं और भाजपा ने जो अध्यक्ष चुना है वो कुमाऊं से चुना है, शुरू से लेकर आज तक यही समीकरण चलते आए हैं कि उत्तराखंड में कुमाऊं से और गढ़वाल से दोनों को तालमेल बिठा कर ही अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद को कोई भी पार्टी चुनती है। नवजोत, तो ऐसे में दोनों ही तरफ एक एक जातीय समीकरण भी बिगड़ जाता है अगर अजय भट्ट आते हैं या किसी और को लेकर आते हैं कुमाऊं से,
तो ऐसे में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों बिगड़ जाता है। बिल्कुल, नाम सिर्फ सामने निकल कर आता है धन सिंह रावत का। चलिए इसको समझते हैं, आपसे दिलीप रही है हमारे साथ। लेकिन हिमांशु देखिए, ऐसे में उत्तराखंड संकट आन खड़ा हुआ है जब चार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है और बंगाल जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि कल की मुलाकातों के बाद कयास भी बहुत सारे लगाए जा रहे थे, उत्तराखंड को लेकर क्या विचार चल रहा है? देखिए बिल्कुल विचार साफ हो चुका है। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने समन किया था, वो आए, उन्होंने जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की। उनकी मुलाकात से पहले जेपी नड्डा, बीएल संतोष और अमित शाह जो देश के गृहमंत्री हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, तीनों ने मंत्रणा की। और उसके बाद जेपी नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये साफ कर दिया कि आप अब मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, आपको छोड़ना होगा, आपके नेतृत्व में जो है बीजेपी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। ये तो हो गया साफ कहना। नवजोत, अब से कुछ देर पहले आप कह रही थी कि ऐसी क्या गलती हो गई, क्रिकेट का एक रूल है, बहुत अच्छा खेलते खेलते कई बार एक ऐसा शॉट लगा देते हैं जिसपे कैच चला जाता है, और शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये गलती कर दी और सिली पॉइंट पे वो कैच हो गए, जिसकी उम्मीद शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी नहीं थी। चार साल बैटिंग करने के बाद जब उनकी कैच पकड़ी जा रही है और उनको ये उम्मीद नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से दो नाम सुझाए हैं केंद्रीय नेतृत्व को कि इनमें से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। धन सिंह रावत के लिए उन्होंने कहा है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और पुष्कर सिंह धानी उनको जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो बात अभी दिलीप कह रहे थे कि कास्ट इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, तो वो भी बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि दिलीप आप भी नजर लगातार बना रहे कि इस बड़ी खबर पर नजर आएगी। फिलहाल बंगाल चुनावों का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर की गूंज सुनाई देने लगी। अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस और टीएमसी पर सवाल है, क्या बाटला हाउस एनकाउंटर को क्यों कहा गया था कि वो फर्जी है? बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया, फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? आज जब देश की न्याय प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या यह पार्टियां माफी मांगेंगी? हम डिमांड कर रहे हैं ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, एक डेढ़ महीने में क्या होगा देश जानता है आपका, क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू एपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे, क्या आप माफी मांगेंगी? और आपको बता दें कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ई बजट पेश किया है, और इसमें दिल्ली के लोगों के लिए हेल्थ कार्ड्स, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के, इसमें तो देश के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, देश भर के युवाओं को जोड़ा जा रहा है, कि जो बच्चे जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, वो जानना चाहता है कि मैं करियर में क्या क्या कर सकता हूं, उस बच्चे को गाइड करने के लिए हम उन युवाओं को जो अभी पास आउट होके कॉलेज में अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनको हम एनरोल करेंगे ताकि वो उनको फोन के ऊपर गाइडेंस दे सकें। तो एक यूथ फॉर एजुकेशन कार्यक्रम के जरिए शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा।
दूसरा इसी मौके पर 75 साल के आजादी के मौके पे योगा को भी एक तरह से हम जन आंदोलन बनाएंगे, योग और ध्यान को। तो इसमें पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां भी 25 लोग 50 लोग मिलकर सरकार को कहते हैं कि हम अपने योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा की फ्री में व्यवस्था सरकार करेगी, उनकी कॉलोनी के अंदर, उनके पार्क के अंदर, जहां 25-50 लोग मिलकर कहेंगे कि हम योगा करना चाहते हैं, हम उनके लिए योगा का इंतजाम। तो योग को भी एक इवेंट के रूप में नहीं, लेकिन इसको एक जिंदगी का हिस्सा, जनता की जिंदगी का हिस्सा बने वो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी मैं, मुझे बेहद खुशी है कि अब वैक्सीन आ गया और वैक्सीन के जरिए हम कोरोना को मात दे रहे हैं। तो जितने सरकारी अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां पे आप पे करके अपनी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में जो भी फ्री में वैक्सीन लगवाना चाहता है वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके फ्री में वैक्सीन लगा सकता है। दिल्ली की जनता को फ्री में वैक्सीन लगाने का दिल्ली सरकार का संकल्प है। पहली बार देश के अंदर महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अभी तक 496 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो गए। अब महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे ताकि महिलाएं अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर बगल में जाके अपने इलाज करवा सकें। दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और हेल्थ कार्ड के जरिए, उस हेल्थ कार्ड में अब उसको अपना एक्सरे, अपनी एमआरआई, अपना वो सब रखने की जरूरत नहीं है। सारा डेटा क्लाउड के ऊपर होगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में, शुरू में केवल सरकारी हॉस्पिटल में इसको लागू करेंगे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करेंगे। तो आप केवल अपना हेल्थ कार्ड ले जाइए और आपके सारा डेटा उसके ऊपर अवेलेबल होगा। आपका सब कुछ पूरा एक बहुत ही इलैबोरेट हेल्थ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी उसके जरिए मिल सकती है, आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगा। और दुनिया का पहला वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना इस बजट के अंदर की गई है, जिसमें क्लासरूम की दीवारें नहीं होंगी, स्कूल की दीवारें नहीं होंगी, आप कहीं से कभी भी किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अपने आप का पहला स्कूल होगा जो कि दिल्ली में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने सुनी आज, पानी के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर सारी चीजों का ध्यान रखा गया। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अड़तालीस में आप कह रहे हैं कि आवेदन करेंगे, मेरे से जुड़े हुए दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या इसलिए आप आवेदन कर चुके हैं या करेंगे? नहीं, करेंगे करेंगे, आप करेंगे क्या इससे लेकर केंद्र सरकार से आपके लिए कोई बात? उनसे बातचीत भी करेंगे, सब मिलके करेंगे, तो देश की बात है, अपनी अकेली थोड़ी है, ये तो देश के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी। तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर ही करेंगे। स्टेट के तो वैसे ही टैक्सेस बहुत कम होते हैं, हमारे तो वैसे ही साधन बहुत कम होते हैं, केंद्र सरकार के पास फिर भी साधन ज्यादा होते हैं। तो अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल करे तो लोगों को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इसको जरूर जीएसटी के अंदर लेना चाहिए। सर, वैक्सीनेशन की जो बात है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा, प्राइवेट अस्पतालों को क्यों से दूर रखा गया, क्या कोई खास वजह है? नहीं, कोई खास नहीं है, कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं वो जाएं, हम क्यों? अब आप कहो जैसे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वो फ्री है, जो प्राइवेट में अपना पैसा खर्च करके करना चाहते हैं वो करें। सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं हम उनको क्यों वंचित रखें? अरविंद जी, ये वर्चुअल दिल्ली स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, एक्चुअल में जब कोरोना आया था, वर्चुअली क्लास शुरू हुई थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी कि बच्चों का विकास रुक जाता है, शारीरिक आंखों को दिक्कत होगी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी इसके साथ। आगे बढ़ते हैं, ममता बनर्जी कल नंदीग्राम से पर्चा भरने वाली हैं और उसके लिए आज ही नंदीग्राम पहुंच भी रही हैं और यहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और चुनावी अभियान का जायजा भी लेंगी। वहीं नंदीग्राम से ममता को चुनौती दे रहे शुभेंदु अधिकारी ठीक दो दिन बाद यानी कि 12 मार्च को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। शुभेंदु के साथ मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगे।
तो आज नंदीग्राम के लिए कूच कर रही ममता बनर्जी, सबसे बड़ी हॉट सीट नंदीग्राम, जहां पर ममता वर्सेस शुभेंदु हो रहा है। कल ममता बनर्जी को अपना पर्चा दाखिल करना है, ठीक दो दिन बाद यानी कि 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी के टिकट पर वहां से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसको और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना जा रहा है, जिसमें खुद मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे, स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचेंगे। तो हॉट सीट नंदीग्राम, लेकिन समीकरण वहां पर किस तरह के बनेंगे, क्या है वहां पर, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। नंदीग्राम में ममता, क्योंकि आज नंदीग्राम के दौरे पर ममता बनर्जी जा भी रही हैं वहां पर, ही हम लगातार आपको बता रहे हैं, कल उन्होंने अपना नॉमिनेशन वहां से फाइल करना है और सीधे सीधे टक्कर, क्योंकि जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे उसी दौरान ममता बनर्जी ने कह दिया था कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। अब देखिए कल की तारीख बुधवार का दिन 10 मार्च और कल ममता बनर्जी वहां से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करनी है, कल का नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है, लेकिन आज ही पहुंच रही ताकि पार्टी कार्यकर्ता के साथ मुलाकात करें, आगे की रणनीति पर विचार हो। आज रात नंदीग्राम अपने घर में रुकेंगी, वो घर जो कि ममता बनर्जी के लिए ढूंढा गया है, जहां पर ममता बनर्जी ड्यूरिंग द इलेक्शन और नंदीग्राम में जितना भी प्रचार होगा, जब भी वहां पर जाएंगी वो उसी घर में ठहरेंगी। 12 मार्च की तारीख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन बीजेपी के टिकट से टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं, अपना नॉमिनेशन शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को भरेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट यह भी होगा कि यहीं से शुभेंदु अधिकारी 2016 में जो दोनों लोग साथ थे, ममता और शुभेंदु, लेकिन इस बार दोनों आमने सामने, शुभेंदु अधिकारी के इस नॉमिनेशन फाइल करते समय स्मृति ईरानी उनके साथ होंगी, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ होंगे और खबर यह भी आ रही है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती भी शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन के वक्त नंदीग्राम में ही उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।